सोलन शहर में पिछले कई सालों में बेहिसाब एजुकेशन सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज खुली हैं। सरकार ने इन सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज को खुलने की अनुमति इसलिए दी ताकि हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाकर शिक्षा न लेनी पड़े, पर युवक डिग्री लेकर बेरोजगार हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में न जाने कितनी ऐसी जगह खाली है जहां पर एक ही टीचर पूरे स्कूल को चला रहा है। सरकार चाहे तो इन बेरोजगारों को नौकरी देकर इनकी बेरोजगारी मिटा सकती है और इनके सपनों को पूरा कर सकती है। बचपन से यही था कि टीचर की नौकरी बड़ी अच्छी लगती थी सर, तो मैंने भी JBT जैसे पोस्टें निकली तो उसके लिए अप्लाई किया और उसमें अच्छी नंबर से हम पास हो गए सर और JBT की ट्रेनिंग की सर। क्योंकि इसमें JBT करने के बाद इसमें सरकारी नौकरी में मतलब श्योरिटी होती थी कि आपको ट्रेनिंग के बाद नौकरी डेफिनेटली मिल जाती थी। 2010 में हमारी ट्रेनिंग होगी ये पूरी, उसके बाद सरकार हमें आश्वासन देती आ रही कि आपको जल्दी ही नियमित नौकरी दे दी जाएगी। पिछले साल जून महीने में ही उन्होंने घोषणाएं शुरू कर दी है कि आपको जून के अंत तक नौकरी दे दी जाएगी। फिर 15 अगस्त को इन्होंने बिल्कुल घोषणा कर दी थी कि आपको तुरंत ही मतलब जॉब दे दी जाएगी, तो आज तक भी ये कोई नौकरी नहीं मिल रही। और जब नौकरी की बात आती है तो सर ये कोई और ही शर्तें हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। नौकरी ना मिलने से किस तरह की परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा? घर में सबसे बड़ा हूँ सर, तो घर का सारा गुजारा करने के लिए सर अब नरेगा में भी दिहाड़ी लगानी पड़ सकती है। खेत तो कम है, पानी का भी आजकल क्या है सर, तो इसलिए खेतीबाड़ी के अलावा कुछ और मनरेगा जैसे मनरेगा हो गया और उनके खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी सर। अगर नौकरी आपको मिल जाती है तो कितनी आपकी ऐसी मुश्किलें जो हल हो जाएंगी? सर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि 4 साल से हम जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं सर, तो सबसे पहला तो उस तनाव से मुक्ति मिलेगी, फिर जो घर की आर्थिक स्थिति है उसमें भी थोड़ा सुधार आएगा। मैं ये वीडियो बनाकर गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर को दिखाना चाहता हूँ कि वो इन स्टूडेंट्स के साथ हुए अन्याय को अनदेखा ना करें और खाली पड़ी पोस्ट पर इन्हें नौकरी दें और इनके सपनों को पूरा होने में इनकी मदद करें। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।